नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास कुमार। समस्त देशवासियों के साथ सिल्क टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। छोटी दिवाली पर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या हुआ रोशन, दीपों से राम भक्तों ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। शनिवार को अयोध्या सरयू नदी किनारे राम भक्तों का उमड़ा सैलाब, राज्यपाल आनंदी बैन के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की आरती। सरयू नदी तट पर दीप प्रज्वलित कर छोटी दिवाली मनाते और खुशियां बांटते दिखे लोग, कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल आनंदी बैन ने मनाई दिवाली। अयोध्या में राम पैंडी के नजदीक सेल्फी लेते दिखे साधु, कार्यक्रम के दौरान सरयू नदी किनारे कैमरे के आगे पोज देते दिखे राम भक्त। हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे खट्टर, दुष्यंत चौटाला होंगे डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर बीजेपी और शिवसेना में बड़ी तकरार, उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी, कहा 2.5 साल के लिए दे सीएम की कुर्सी, नहीं तो अन्य विकल्प पर करेंगे विचार। दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला को 2 हफ्तों के लिए जेल से मिली छुट्टी पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज, कहा भ्रष्टाचार धुलाई मशीन चालू। 15 साल के वनवास के बाद दिवाली पर चौटाला परिवार की सरकार में हुई वापसी, गाँव वालों ने तैयार कर रखी है अटके कामों की लिस्ट। सोनिया गांधी का बीजेपी पर प्रहार, कहा बीजेपी सरकार में किसान काली दिवाली मनाने पर मजबूर। महाराष्ट्र में सत्ता के बंटवारे पर शिवसेना ने मांगा लिखित आश्वासन, लगातार बीजेपी पर दबाव बना रही है शिवसेना। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच हो सकता है विभागों का बंटवारा, लेकिन शिवसेना को सीएम पद देने से बीजेपी कर सकती है इनकार। दिव्यांग और बुजुर्ग के लिए चुनाव आयोग की नई पहल, अब डाक मतपत्र से दिव्यांग और बुजुर्ग कर सकेंगे मतदान। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भारत रत्न देने को लेकर मोदी को लिखा पत्र, सोशल मीडिया पर लोगों ने की खिंचाई, यूजर्स ने लिखा तिवारी को भी लगता है कि सिर्फ मोदी जी ही कर सकते हैं यह काम। कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपी का ऑडियो क्लिप हुआ वायरल, ऑडियो क्लिप में पत्नी और पिता आरोपी अशफाक के घर लौटने की कर रहे हैं गुजारिश। अयोध्या विवाद पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाला है फैसला, कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं ने अयोध्या में राम मंदिर बनने की जताई इच्छा। दिवाली पार्टी में इंडो वेस्टर्न रूप में नजर आई मलाइका अरोड़ा, सारा अली खान भी साड़ी अवतार में आई नजर। WWE ब्रॉक लेसनर ने एक बार फिर क्रूरता की हदें की पार, 22 साल के लड़के को जमकर पीटा। नचबलिए शो में रवीना टंडन हुई इमोशनल, घर वालों को सामने देख नहीं रोक पाई बहते आंसू। भारतीय रेलवे ने रद्द की 150 से ज़्यादा ट्रेनें, भारतीय रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं रद्द ट्रेनों की लिस्ट। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।